अभी हाल ही में पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें दो लोग मारे गए थे। अब एक बार फिर पाकिस्तान आतंकी हमले से दहल उठा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मार डाले पाकिस्तानी। बलूच और तालिबान ने उड़ाए चीथड़े। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तानी सेना के चीथड़े उड़ाकर रख दिए गए हैं। पाकिस्तानी सेना पर डबल अटैक हो रहे हैं। एक तरफ अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना पर अंधाधुंध हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने ग्वादर पोर्ट पर जबरदस्त खूनी हमले किए हैं। पाकिस्तानी सेना पर हुए खौफनाक हमलों से पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के होश उड़ गए हैं, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन हमलों के बाद से घुटनों पर आते दिख रहे हैं। आप इन दो तस्वीरों से समझ लीजिए इस वक्त पाकिस्तानी सेना के साथ क्या हो रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर तालिबान कमांडर पाकिस्तानी सेना पर सीधा हमला करने में जुटे हैं। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर भीषण हमला हुआ है जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट स्थित एक इमारत पर हमला किया है जिसमें कई पाकिस्तानी अधिकारी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी मारे गए हैं। पीएलए का बारूदी बदला। सबसे पहले आप ये जान लीजिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी किस तरह से पाकिस्तानी सेना से खूनी जंग कर रही है। चीन के दर्जनों इंजीनियर और वर्कर इस वक्त ग्वादर पोर्ट पर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसे अपनी जमीन पर चीन और पाकिस्तान का नाजायज कब्जा मानती है। इसी को लेकर पीएलए के लड़ाकों ने जबरदस्त आत्मघाती हमले किए हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ग्वादर में एक पोर्ट पर बनी इमारत पर पीएलए के लड़ाकों ने जबरदस्त हमला किया है। जरा देखिए यह हमला क्यों पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर में हुए भीषण हमले के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन को कड़ी धमकी दी है और कहा ऐसे हमले लगातार जारी रहेंगे। पीएलए के इस हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के आधा दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों समेत पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के एक दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड ने इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है। पीएलए ने जिस इमारत पर हमला किया था उस इमारत में ग्वादर पोर्ट ट्रस्ट का काम देख रहे चीनी अधिकारियों और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों की बैठक होने वाली थी। सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। बलूच आर्मी के हमले से बौखलाई पाकिस्तानी सेना की बोलती बंद हो चुकी है। इस भीषण हमले में शामिल होने वाले लड़ाकों के कमांडर समेत सभी 8 लड़ाके मारे गए हैं जिनकी फोटो भी जारी की गई है। और कोशाबी में एक डीसीएम अनकंट्रोल हो गई जिसके बाद पे देखा गया कि एक बाइक सवार को उससे टक्कर मार दी और उसके बाद पे कई लोगों को घायल भी कर दिया। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं और साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची, सभी घायलों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, उसके बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि हादसा कैसे हुआ। खबर फतेहपुर से है जहां पर एक ट्रक पलट गया जिस कारण कंडक्टर की मौत हो गई और ड्राइवर ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई।
खागा कोतवाली के कटोघन NH2 में एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। हादसे में ड्राइवर और उसका सहायक घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। तो ये ट्रक हादसे का शिकार हो गया। एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में इस ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और ये पलट गया। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर दोनों घायल हुए हैं।